हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो हम उसका क्यूब रूट चुटकियों में निकाल सकते हैं। एक ऐसी शानदार जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक लेके आपके साथ हाजिर हूँ और ये ट्रिक बहुत यूजफुल होती है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है जी, तो किस तरीके से करेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने 11 दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा गाइस, आपको सबसे पहले कुछ क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। दो मिनट में हो जाएगा, किसी कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका जो क्यूब है चुटकियों में निकालने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ क्यूब्स याद करने पड़ेंगे, जैसे 1 का क्यूब। सबसे बात आती है क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर को, सेम ही नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करना। मान लो मैंने लिखा 1 × 1 × 1, ये हो गया 1 का क्यूब। क्या हो गया? 1 का क्यूब। तो 1 × 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है जी, वैसे 2 × 2 × 2 ये कितना हो जाएगा? 8, मतलब 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 3 का क्यूब कितना हो गया? इस प्रकार आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है जी, चलिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729, 10 का होगा 1000, 11 का होगा 1331, और 12 का क्यूब होगा आपका, ठीक है, 1728। इस तरीके से आपने 15 तक के क्यूब्स को याद कर लेना है। इट इज मैंडेटरी टू रिमेंबर, जरूरी है आपके लिए, बट मिनिमम 10 तक तो करना ही करना है। ठीक है, इस ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10 तक के क्यूब्स रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसी प्रीवियस वीडियो हमारी स्क्रीन पे थी, उसका आई बटन पे हिट करके आप उसको भी देख सकते हो। तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि अब इसका क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसको निकालने वाले हैं। So let's get started. पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, किस तरीके से करेंगे क्यूब। ये क्वेश्चन हो गया 2 3 8 3 2 8। अगर इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बताइए इसका क्यूब रूट क्या है। तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, सेम तरीका जो हमने स्क्वायर रूट में किया था प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले लास्ट में देखना 8, क्या देखना जी 8, ये देखना है कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो क्यूब में सबसे अच्छी बात ये रहेगी, जैसे ये होगी इधर वाले डिजिट जो होंगे वो रेयर होंगे, मतलब एक में आएंगे, दो वाले नहीं आएंगे, स्क्वायर में दो देखने को मिल रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि 8 जो है ये किसका यूनिट डिजिट है, मतलब यहाँ से लास्ट में किसका आता है और उधर से पहले किसका आता है। इस साइड से देखेंगे तो लास्ट डिजिट होगा, उस साइड से देखेंगे तो पहला डिजिट होगा। तो आपने ये देखना है किसका है 8। हम देख रहे हैं 2 का क्यूब करना 8 हो जाता है, इसका मतलब एंड वाला डिजिट क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, तो आपको दूसरा डिजिट मिल गया। स्क्वायर में हम 2 जोड़ते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे क्यूब के अंदर, क्यूब मतलब 3, तो यहाँ पे 3 छोड़ेंगे। कितने छोड़ देंगे? 3। ओके गाइस, 3 छोड़ देंगे, तो 3 छोड़ दिए, 3 × 2 = 8 छोड़ दिए, क्या बचा गाइस आपके पास स्टेप सेकंड 2 3 8 2 38, ये बचा, ये तो मिल गया, ये आपका सेकंड डिजिट है। अब हमने देखना फर्स्ट डिजिट क्या है, 238। देखेंगे किसके क्यूब में आ रहा है 238, तो देखेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216 होता है। ठीक है गाइस, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब तो ज्यादा हो गया 238 से, 343 होता है, तो इसे छोटा लेना है, कौन सा 216, ये किसका है 6 का। ठीक है गाइस, किसका आ गया 6 का, बस डन। 6 इधर से और इधर से 2 जोड़ दो तो मिल गया 62, इसका मतलब 62 का क्यूब जो है ये वैल्यू होगी। आप इसके आंसर को चेक कर सकते हो 62 × 62 × 62 करके, ये अब चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर सही है कि नहीं। इसका आंसर है 62, मतलब कितने बड़े नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा 62, कितना इजी हुआ, एक मिनट में निकल गया। अदरवाइज सब सोचते रहोगे कि इसका क्यूब रूट कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल है गाइस, इसके 3 पार्ट मैं करूंगा और 2 पार्ट आपने आपको होमवर्क है, ये आप लोग खुद निकालोगे। आइए अभी लेते हैं पार्ट सेकंड पार्ट, क्यूब किसका 74088। अगेन यहाँ पे क्या है 8 है, तो देखेंगे 8 किस में आ रहा है, 2 का होता है, 2 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपने लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला 8 है, देखेंगे किस में आया, इसमें आया तो 2 लिख दिया, उसके बाद 3 छोड़ देंगे, क्या करेंगे
तीन डिजिट को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 74। अब देखेंगे 74, देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है और 5 का क्यूब तो 125 होता है, लेकिन हमको कितना लेना है 74, वो इन दोनों में नहीं है तो बड़े वाला नहीं उसे छोटे वाला लेना। छोटे वाला कितना है 64, किसका है 4 का है, तो 4 लिख देंगे और जैसे 2 जोड़ देंगे 42, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है जी, तो 42 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा ये वाली वैल्यू 74,088, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान है भाई, वेरी इजी। तीसरा 35937, अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए 7 चाहिए, यूनिट डिजिट क्या लिखना है 7, तो 7 किस में आता है 3 में आता है, तो यहां पे मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद 3 छोड़ देंगे, 3 छोड़ दिए, कितना बच गया 35, तो देखेंगे 35 किसका होता है 4 का क्यूब 64 हो गया, 3 का 27 हो गया, 64 इससे ज्यादा है और 27 छोटा है, तो कौन सा लेना है छोटे वाला लेना है, ये किसका होता है 3 का होता है, तो इधर लिख देंगे 3, इधर लिख देंगे 3, 33 आपका हो गया आंसर, मतलब 33 का क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा जी, ये वैल्यू है जो मिल जाएगी 35937, है ना कितना आसान, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ये दो क्वेश्चन आप लोग निकालोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि क्या आंसर आता है। गाइस बहुत सिंपल, यूनिट डिजिट लीजिए, टीम छोड़िए और बस इसी का इस्तेमाल कीजिए जो मेथड मैंने आपको बताया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।